सभी को राम राम भाई। ये देख लो, ये अपने कबूतर है, ठीक है। ये रे, आज इनका जाल साफ हो रहा है भाई। अभी आपको जाल दिखाऊंगा, आप भी कहोगे कि भाई क्या गंदा मचा रखा है आकाश भाई आपने। लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है भाई जाल वाल साफ करने का। ये देखो, ये मेरा जाल अब काफ़ी हद तक साफ हो गया है। मैं आपको रोशनी में दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले बहुत गंदा पड़ा हुआ था मेरा जाल, मैं साफ नहीं करता था। मैंने 3-4 महीने से नहीं किया था। किस लिए नहीं किया था? इसलिए नहीं किया था क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं था। तो भाई ये को लगेगा कि भाई गंदा जाल है तो आपके कबूतर बीमार पड़े होंगे। और कितना गंदा जाल है ये देख लो। ये पूरा का पूरा मेरे हिसाब से भाई एक कट्टा भर जाएगा, ठीक है, आराम से। जो 30-35 किलो का होता है वो कट्टा भर जाएगा। ये सारा का सारा है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने आज सफाई कर दी। मैंने आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ, छुट्टी हो गई है, तो मैं इसको जाल को साफ़ कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कबूतर के घर में गंदगी है तो उससे बीमारी बढ़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके कबूतर में के घर में गंदगी है लेकिन आप उसके अंदर दवाइयाँ वगैरह छिड़क रहे हैं टाइमली, ठीक है ना, तो आपके कबूतरों में बीमारियाँ नहीं लगेंगी जल्दी से, कभी नहीं लगेंगी। कि मैं अपनी दवाइयाँ छिड़कता रहता हूँ, मेरे पास है फिनाइल वगैरह अच्छी कंपनी के यूज़ करता हूँ, जो अपने घर में यूज़ करता हूँ। अपने बच्चों के लिए घर पोछे वोचे लगाती हैं मेरी वाइफ, मेरी मदर, तो वही मैं फिनाइल इसमें यूज़ करता हूँ। तो कीड़े मकोड़े बहुत नाके बराबर होते हैं और गंदगी होती है तो बीमार नहीं पड़ते हैं मेरे कबूतर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, वो भी आप यूज़ करेंगे तो उसके आपके कबूतर बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। चाहे गंदगी कितनी ही हो, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, वो मर जाते हैं उससे।